पुलिस थाना हमीरपुर के तहत आने वाले धनरेड़ क्षेत्र के व्यक्ति से लाखों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। जालसाजों के झांसे में आकर व्यक्ति ने लाखों की जमा पूंजी गंवा दी। दो बैंक खातों से लाखों रुपए निकलने का पता चलने के बाद व्यक्ति के पैरों तले जमीन खिसक गई। बाद में मामला पुलिस में दर्ज करवाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है व्यक्ति के दो बैंक खातों से 2,20,000 की नकदी गायब हो गई। शातिरों ने व्यक्ति को झांसे में लेकर बैंक खातों की डिटेल पता कर ली। बैंक खातों की डिटेल पता चलने के बाद पैसा ऑनलाइन माध्यम से ही चुरा लिया गया। मिली जानकारी के मुताबिक व्यक्ति को एक फोन कॉल आई। इसमें बताया गया कस्टमर केयर से बात की जा रही है। कस्टमर केयर का बहाना लगाकर शातिरों ने व्यक्ति के बैंक खातों के संदर्भ में जानकारी हासिल कर ली। काफी समय बात करने के दौरान शातिरों ने व्यक्ति को अपने झांसे में ले लिया तथा बैंक खातों की डिटेल जान ली। व्यक्ति भी जालसाजों द्वारा कही जाने वाली बातों में आ गया और सारी डिटेल साझा कर दी। बैंक संबंधित जानकारी साझा करते हुए दो बैंक खातों से 2,20,000 रुपए गायब हो गए। एक खाते से 1,47,000 रुपए तथा दूसरे खाते से 73,000 रुपए की नकदी निकाली गई है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए हमीरपुर से सुरेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट।